इधर कोडरमा से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां तीन तलाक का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कर्मा पश्चिम गली की रहने वाली एक महिला अपने डेढ़ माह की बच्ची के साथ तीन तलाक की शिकायत लेकर तिलैया थाना पहुंची है और अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बताते चलिए कि पीड़िता रूबी खातून ने तिलैया थाना को दिए गए आवेदन में बताया है कि उसका पति झलपुर निवासी मोहम्मद कलाम, सास सैरू निशा और ससुर पिछले 4 सालों से लगातार उसे प्रताड़ित करते आ रहे हैं और हद तो तब हो गई जब बीते मंगलवार को भरे समाज के बीच उसके पति मोहम्मद कलाम ने उसे तीन तलाक दे दिया, जिसके बाद पीड़िता रूबी खातून ने आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। जो मेरे साथी हुए हैं 2017 9 जुलाई उसी दिन से मेरे सास मेरा शोहर सब मिल के मारता है और बोलता है कि मतलब खाना खा जाते हैं तो मार खुद करता है। बोलता है माँ बाप से पैसा मांग के लाओ, 30,000 पैसा मांग के लाओ, और हमेशा मांगते रहता है। 5 बार दिए पैसा तो भी मारता है। बोलता है फिर ला जाके तलाक दे दिए, मारपीट पूरा गहरी चोट है, मारपीट कर दिया और फिर बाहर में घसीट के बाहर निकाल दिया और तलाक दे दिया, 3 तलाक, और मेरा भाई को भी मारा। कि कोडरमा से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां तीन तलाक का मामला सामने आया है और इसी खबर पे तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, तीन तलाक का मामला एक बार फिर से प्रकाश में सामने आया है कोडरमा से, जहां रूबी खातून ने अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और न्याय की गुहार लगाई है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं कि यह मामला तिलैया थाना क्षेत्र का है। झलपो के रहने वाले मोहम्मद कलाम पिछले 2 वर्षों से अपनी पत्नी के साथ लगातार मारपीट करते थे और उसे प्रताड़ना दे रहे थे। इसी बीच बुधवार की शाम मोहम्मद कलाम ने पूरे भरे समाज के बीच अपनी पत्नी को तलाक 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 कहकर तीन तलाक दे दिया। जी, जिस तरीके से महिला ने आवेदन देकर गुहार लगाई, तो क्या इस पर कुछ अभी तक कार्रवाई हुई है पति के खिलाफ? जी, कल शाम को पीड़िता द्वारा थाने में आवेदन दिया गया है, जिस पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जी मनोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि आपको बता दें कि कोडरमा से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां तीन तलाक का मामला एक बार फिर से सामने आया है और रूबी खातून यानी जो पीड़िता है रूबी खातून, उन्होंने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है और साथ ही साथ प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है। देखिए लड़की बेहोश हो गई इतना।